लुका रसूल का अंजीली बयान निकालते हैं और कोशिश करेंगे शॉर्ट तौर पर ब्रीफ किया जाए उसको, ताकि आप खुदा के कलाम में से सुन सके, समझ सके। लुक चैप्टर 9, लुका रसूल का अंजीली बयान उसका 19वां बाब, साहब ने इसको हिंदी में पढ़ा, मैं उर्दू में पढ़ देता हूं। 28 आया, ये बातें कि वो यरूशलम की तरफ उनके आगे आगे चला और वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस वो जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो कपड़े और बिछाते जाते थे वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे जब वो यरूशलम के नजदीक जैतून के पहाड़ के उत्तरार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमा उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आसमान पर खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने उस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा, इसलिए कि तूने उस वक्त न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आमीन। आज जो बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद का ये वाक्या यरूशलम में दाखिल होने का तरीका पहले भी खुदावंद यीशु मसीह यरूशलम में आते जाते रहे हैं, लेकिन आज के दिन एक खास अंदाज से खुदावंद यरूशलम में आए। मत्ती की इंजील, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, मत्ती, मरकस और लूका और यूहन्ना में इस वाक्य को बड़ी डिटेल्स के साथ मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। चारों अंजील में आपको ये वाक्या मिलेगा। यीशु मसीह का शहाना जुलूस यरूशलम में दाखिल हो रहा था और ये बड़ा ही दिल पसंद नजारा था। इस तरह खुदावंद यरूशलम में दाखिल हुआ और इसको तरतीब के साथ इन वाक्या को लिखा गया है और हम इसको कहते हैं पॉम संडे या खजूरी इतवार।
जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, 37 आयत में हम देखते हैं 37 क्या हुआ, जब उस शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उत्तरान पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात और उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। और क्या कहने लगे, सब पढ़ते हैं इसको, 38 आयत, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर जला। ये ऐसे अल्फाज जब शागिर्दों ने और उस भीड़ ने कहे हैं, ये बहुत बड़ी भीड़ थी जिन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखा था, और बहुत सारे मैरिकल्स, जब 5,000 को खाना खिलाया, ये उस भीड़ के लोग भी इसमें गालबन हैं। तो वो उन सारी बातों से जो यीशु मसीह ने उनके शहरों में, उनके गांव-गांव में जाकर मैरिकल्स किए, तो लूका की अंजील के बीच में इसको लिखा है कि जब वो वहां पहुंचा तो उसने उनके उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। तो ऐसा शख्स जो बीमारों को अच्छा करता, मुर्दों को जिंदा करता, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत बहुत फैल गई। और जब लोगों को पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो लोग शौक से देखने आए कि जिस शख्स ने लाजर को जिंदा किया है उसको हमें देखना है, और उसका नाम है नासरत का नबी। उन्होंने आपस में बात की और फकीर और फरीसी आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है जो बादशाह बनकर आता है। उन्होंने सवाल आपस में ये किया होगा कि वो घोड़े पर सवार है, उन्होंने कहे वो गधी के बच्चे पर सवार है। उसने कहा खैर, अगर गधी के बच्चे पर सवार है तो फिर खैर है, अगर ये घोड़े पर आता तो फिर हम जानते कि इसका मुकाबला करें, क्योंकि घोड़ा जंग का निशान है और गधा हलीमी और फरोतनी और सुला को जाहिर करता है। ये नबूवत है, ज़करिया 9 बाप की 9वीं आयत में इसकी नबूवत की गई थी कि ऐ शय्यूम की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर बल्कि जवान गधी पर सवार होकर तेरे पास आता है। अब मसाया का इनको इंतजार था, और आज वो खुश इसलिए हैं, और उनके अल्फाज जो हैं वो बड़े पावरफुल हैं। वो हैं अल्फाज 38 आयत में, मुबारक है वो बादशाह। पहली बात, वो एक बादशाह का इंतजार कर रहे हैं जो हमें रोमी हकूमत से छुड़ाएगा, इनके जुल्म और सितम से हमें रिहाई देगा। और जो जबूर हमने पढ़ा उसमें लिखा है तू जल्द आ और हमें जल्द बचा, जबूर 118, ये तलावत 118 की यहां पर रिपीट की गई है मसीहानिक सॉन्ग की। लिखा है मुबारक है वो बादशाह, आज से पहले उन्होंने कभी नहीं कहा सय्यून इसराइल के बीच में साउल बादशाह बना, दाऊद बादशाह बना, सुलेमान बादशाह बना, मगर किसी ने नहीं कहा मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार से उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि ये शख्स रास्तबाज है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। अब ये क्या करेगा, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर उसका जलाल जाहिर होगा, क्योंकि ये खुदा का बंदा है। इसके आने से ना सिर्फ धरती बहाल होगी बल्कि आसमान और जमीन भी बहाल किए जाएंगे, इसलिए वो बड़े खुश थे। खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम करने लगे और ये अल्फाज उन्होंने कहे। और जब निजात का दाखला हुआ तो यरूशलेम में बहुत गेट है, ये खासकर जिसको गोल्डन गेट कहते हैं, ये मशरिक की तरफ से यीशु मसीह आ रहा है, और ये गोल्डन गेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, इसको डबल गेट भी बोलते हैं और इसको खूबसूरत दरवाजा भी बोलते हैं। इधर से खुदावंद यीशु मसीह जब दाखिल होके आए, तो जब दाखिल हुए इस गेट से तो आवाम के नारों और आवाज में होशाना इब्ने दाऊद, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। 3 साल से लोग इस शख्स की
की शोहरत सुन रहे थे और आखिर वो दिन आ गया कि जब वो उनके शहर के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, नारे लगाना शुरू किए, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तो सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टियां फकी और फरीसी आपस में जाने लगी। इस शख्स के लिए ये क्या कुफर बक रहे हैं? तो उन्होंने कहा लीडर को जाके पूछते हैं, देखते हैं। ये आयत बड़ी खूबसूरत है, 39 आयत पढ़े। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, हिंदी में हमने पढ़ा ए गुरु, ए टीचर, ओ मास्टर, ओ रबाय, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। यीशु मसीह ने देखा और कहा, उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। उनके को अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि पत्थर कैसे चला उठते हैं। आओ देखें, अगर आवाम लोग चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये है मैसेज की गहराई जो हमने थोड़ी देर में इसको हमने समझना है। आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। अफ्ताद इन्हें डांट ताकि ये चुप रहें, और जवाब क्या मिला है? यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। ये बड़ा अजीब जवाब है, बड़ा यूनिक जवाब है। आम आदमी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि पत्थर कैसे चला उठेंगे, लेकिन बाइबल इसकी वजाहत करती है। सबसे पहली बात, जो लोग यरूशलेम गए हैं, दिखाया गया आपको स्क्रीन पे, यह शहर पत्थरों से बना हुआ, ये पहाड़ों का शहर, ये पत्थरों का शहर। और यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि अगर लोग चुप होंगे तो यरूशलेम के पत्थर और उसके गर्द और नवा जितने घर बने हुए हैं उनमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, वो चिल्ला उठेंगे, सड़क के पत्थर चिल्ला उठेंगे। और लोग, जब ये आवाज आई, जब उसने ये जवाब दिया, इसका क्या मतलब है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे? यीशु की ये अल्फाज, अगर इन ये लोग खामोश होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, खुदा जानता था। पहली बात, खुदा का पर्पस ये था कि खुदा का बेटा यरूशलेम में खामोशी से दाखिल ना हो। क्या होना चाहिए? प्रेज एंड वर्शिप। आप जब चर्च में इबादत करते हैं, आप जब तालियां बजाते हैं, तो क्या, किस लिए बजाते हैं? हम क्यों मंतजर होते हैं? प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि जब हम जबूर, गीत और भजन गाएंगे, आस्ते आस्ते खुदा का अवर होली स्पिरिट हमारे बीच में उतरेगा और खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में होगी। और खुदा चाहता था कि उसका बेटा यरूशलेम में खामोशी से दाखिल ना हो। यरूशलेम के पत्थरों के तालक से के पत्थर हम करेंगे, हम इसको जरा देखते हैं ये बात क्या है। जबूर की किताब उसका 98 जबूर जी, जी, कौन पढ़ेगा? समुद्र उसकी मामूली शोर मचाए और तहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाए, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाए, खुदावंत के हुजूर, क्योंकि वह जमीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहां की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। थैंक यू सर। सातवीं आयत, समुद्र और उसकी मामूली शोर मचाए, ये कैसी बात? समुद्र और उसकी मामूली, कभी आप बड़े समुद्र के पास जाके जाने का आपको तजर्बा हो, जैसे हम लोग बलोचिस्तान में रहते हैं, समुद्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम कराची आया तो मैंने जब समुद्र को देखा, मैंने कहा ये भी दुनिया अलग है। शिप लगे हुए, बोट्स आ रही हैं, मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े शौक से देखा। फिर मेरी बहन मनोड़ा ले गई मेरे को, वहां जाके मैंने देखा कराची का सारा शहर नीचे है और समुद्र एक ऐसे है। मेरे को कलाम की वो बात याद आई कि अगर खुदा इसकी हद को तोड़ दे तो ये सारा समुद्र कराची के शहर पे सारी इमारतें और घर डूब जाएंगे। बॉम्बे इससे तो
समुद्र की मामूरी शोर मचाए और जहां और उसके बशिंदे और सलाम तालियां बजाएं और पहाड़ मिलकर खुशी से गाएं, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पहाड़ पर्वत भी खुदा की सताइश करें। जबूर 114 Psalm और उसकी सातवीं आयत को हम पढ़ते हैं। जबूर 114:7 आयत जी कौन पढ़ेगा? ऐ ज़मीन तू रब के हजूर, याकूब के खुदा के हजूर थरथरा, जो चट्टान को झील और चकमाक को जमीन, चकमाक को पानी का चश्मा बना देता है। आमीन। ऐ ज़मीन तू रब के हजूर, याकूब के खुदा के हजूर थरथरा, जमीन भी थरथराती है। गुड फ्राइडे को जब कब्रें फटी थी, जब यीशु मसीह ने चौथा कलमा कहा, जब कब्रें फटी तो लिखा चट्टाने गड़ गई, शिफ्ट हो गई, कब्रें खुल गई, एक बहुत बड़ा भौंचाल आ गया। और भौंचाल आने से जो पैरा देने वाले थे, उन्होंने कहा बेशक ये आदमी राहबाज था, क्योंकि इसके दम देते ही चट्टाने तरक गई है। बड़ी प्यारी डिटेल्स और इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी गई है। यशाया 55:12, शांति के साथ रवाना किए जाओगे और पहाड़ और टीले तुम्हारे साथ नगमा सराई करेंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। ये हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के कहने का मकसद ये था। यहू की दीवार गिर गई थी, लोगों के जो नसिंगे फूके गए थे, उन नसिंगों में ये खुदा का मौजजा था कि नसिंगों से यहू की दीवार गिर नहीं सकती थी, लेकिन ये खुदा का इंतजाम था कि वो दीवार गिरे। एक हवाला और देखते हैं, मैथ्यू मत्ती की अंजील नए न्यू टेस्टमेंट चैप्टर 21 में आते हैं, 21वां बाब, बड़ी प्यारी बात है इस पे। 21वां बोला जाए, 15वीं और 16वीं आयत पढ़ी जाए भाई अरफान। लेकिन जब सरदार कहनों और पक्षियों ने उन पर उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो सुनता है कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और चीखारों के मुंह से तूने हम को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। थैंक यू। 15वीं आयत, जब सरदार कहनों और फकीरों ने उस अजीब कामों को, अजीब काम, इसको मार करें, कभी बाइबल में इसके ऊपर मैसेज देंगे, अजीब काम, सिर्फ अजीब काम, जब फकीर और फरीसियों ने उसके अजीब कामों को जो उसने किए थे, क्या क्या बड़े काम करता, मुकद्दमरी में क्या कहता, मेरी रूह मेरी मनुची खुदा से खुश हुई, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसने दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया, बड़े बड़े काम करता है। जबूर 140 के बीच में, जबूर 136 के बीच में बैरक कुलजम को जब उसने कर दिया, ये बड़े बड़े काम है कि उसकी कौम बैरक कुलजम में से निकल आई। आपकी जिंदगी में खुदा ने कई दफा बड़े बड़े काम किए, जब आप नाउमीद थे, जब आप परेशान थे, बीमारी में थे, दुख में थे। अगर आप भूल गए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमें रहता है रोज वो याद सदा, जिस दिन हमारी जिंदगी में मौजा हुआ, हमें याद है हम किस तरह मिडल ईस्ट से निकल कर आए थे, हमें वो दिन वो तारीख हमेशा याद रहती है। खुदा मेहरबान जो आपको इन मुल्कों के बीच में लाया, आपके पास जो कुछ है ये खुदा की मेहरबानी, खुदा की बरकत, उसकी ब्लेसिंग है। अगर आपकी सेहत ही ना हो, अगर आपके घर में तंदुरुस्ती ना हो, अगर आपके घर में मोहब्बत ना हो, अगर मियां बीवी का कैश चलता हो और बच्चों की ताबेदारी फर्माबरदारी ना हो, तो आपके ऊंचे ऊंचे घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब बेकार है, जब उसमें रहने वाले बच्चे आपके साथ नहीं है। तो शुक्रगुजारी करें खुदा की कि खुदा किस कदर मेहरबान है। एक एक लम्हा जो खुदा ने आपको दिया है, ये सांस उसकी है। जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करें, दांत साफ करें, सोफे पर आए,
बाइबल ने घुटनों पे होके शुक्रगुजारी करे। ज़बूर 92 में लिखा, बड़े ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी। सुबह को शुक्रगुजारी करे और रात को रहमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करे, वो इस कदर मेहरबान है। और जब उन्होंने ये बात सुना तो कितनी तफ बात कही है। जब लड़कों को हैकल में लड़के क्या कह रहे थे, जो गाते बजाते हुए आए अंदर जो क्वायर थी, उन्होंने जब उस बादशाह को देखा तो चिल्ला के लड़के कहने लगे। उन्होंने कहा कि इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उसे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं। दरअसल बात ये थी, ये कुफर पकते हैं, इनको मना कर ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु नासरी को एक्सेप्ट करने के लिए, आज भी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुस्लिम दोस्त बड़े जानने वाले हैं, जिनके घरों में बीमारियां हैं, जिनके घरों में हमने जाके दुआएं की हैं, लेकिन जब मसला आता है ना कि होशाना इब्ने खुदा को, यहां वो कहते हैं कि नहीं, हमारा ईमान आपके साथ नहीं मिलता और हमारी दुआ, हमारा जागना सब कुछ बेकार है, क्योंकि शिफा सिर्फ मिलती है ईमान से, और वो भी ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसकी सलीब पर ईमान लाने से शिफा मिलती है। तो ये बात जब कही है तो हम देखते हैं कि उन अजीब कामों के सबब से उसकी तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि देख ये लड़के क्या कहते हैं, तो इस बात को सुनता है या नहीं सुनता। आइए इस हिस्से को क्लोज करते हैं और वापस अपने लूका में आते हैं, जहां से हमने मैसेज को स्टार्ट किया था, 19 बार और उसकी 40वीं आयत, 39। भीड़ में से बाज फरीसियों ने शिकायत उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट, उसने जवाब दिया, मैं तुमसे कहता हूं अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। 41 आयत, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। एक इंग्लिश किताब कुछ साल पहले शारजा में जब थे, किसी इंग्लिश लेडी ने मुझे किताब दी और उस किताब का नाम था टॉक अबाउट आवर सिटीज, हमारे शहरों के मुतालिक बात करो। कैलिफोर्निया, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, हमारे शहरों के लिए बात करो, हमारी सिटीज के लिए। जब कोई इंडिया से प्रीचर आता है तो वो दिल्ली की और बॉम्बे की बात करता है क्योंकि वो वहां रहा है। जब कोई पाकिस्तान से आता है तो वो लाहौर और कराची की बातें करता है, और कोई बांग्लादेश से आएगा तो वो ढाके की बात करेगा। तो यीशु मसीह क्योंकि फिलिस्तीन में और जेरूशलम, उस जगह पे लिखा है, ए जेरूशलम, तू जो नबियों को कत्ल करती रही है, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, मैं छुपा लूं, लेकिन तूने मेरी बातों पे ध्यान नहीं किया। यहां पढ़े जरा क्या कह रहा है, 42 वर्स, काश के तू अपने इस दिन में सलामती की बातों को जानता, ए जेरूशलम। आज खुदा कलीसिया से कह रहा है, ए कलीसिया तुम अपनी सलामती की बातों को जान। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं प्रोसिक्यूशन तो एशिया में है, इधर थोड़ी है, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन करने वाले कनाडा में दाखिल हो चुके हैं, राइट। किसी वक्त भी कुछ हादसा हो सकता है। जो स्टीफन हार्पर को कत्ल करने के लिए पार्लियामेंट के दफ्तर में जाके घुस सकते हैं, यीशु मसीह ने ये बात यरूशलम के लिए कही थी। अब वो घड़ी, अब वो तेरी आंखों से, वो बातें जिनको तूने सुनना पसंद नहीं किया, मगर अब वो बातें तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पे आएंगे और तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे। फलस्तीनियों ने मोर्चा बांधा और सारे इस्लाम की निगाहें यरूशलम के ऊपर है। वो कह रहे हैं यरूशलम के दो हिस्से कर दो, ईस्ट और वेस्ट का हिस्सा आधा फलस्तीनियों को दे दो और आधा यहूदियों को दे दो। नतन्याहू कहता है हम यरूशलम का एक इंच भी नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, हमारी लाश पर से गुजरने के बाद यरूशलम तुम दे देना। ए यरूशलम तू अजायब बनी,
तेरी सारी वस्तु है डाटी गई। दुआ मांगो ऐ मिल के सब दंबदा सलामत रहे शहर जैरूशलम। वो खुदा का घर है, दाऊद बादशाह का, खुदा की आंखें वहां पर हैं। और लिखा है वो तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे, तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेरेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में जमीन पर पटक देंगे और तुझ में किसी पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। और ये यीशु मसीह ने जब ये पेशनगोई की थी उसके फौरन बाद 70 AD के बीच में जो था यरूशलम में हंगामा हुआ और हैकल को जला दिया गया। और जब हैकल को आग लगाई गई तो एक पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं छूटा, क्योंकि उसके अंदर सोना था सुलेमान ने जो लगवाया था। तो रोमन सिपाहियों ने कहा हमें सोना चाहिए, हमें पत्थर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इसको आग लगाओ, सोना निकल के पिघल के नालियों में बह के आ जाएगा और पत्थर अलग हो जाएंगे। इसी खुदा ने कहा था उस पर पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। अगर ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर चला रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आप कितना चलाते हैं मसीह के लिए? आपने कितने टेस्टिमनीज दिए? एटलीस्ट अपनी जिंदगी में एक फ्रेंड जिसको आप बहुत अजीज रखते हैं और वो नॉन क्रिश्चियन है, कभी उसको छेड़ के देखो उसके दुख भरी कहानी, वो आपको सारी अपनी कथा सुना देगा। मैं बड़ा ही परेशान है, ये सब परेशान, हिंदू परेशान, सिख परेशान, मुसलमान परेशान, जू परेशान। सलामती की बातें अगर है खुदा के लोगों के पास है और यीशु मसीह ही अमन सुलह और सलामती का शहजाद है। जीसस के पास अपने फ्रेंड्स को लेकर आए, एक रूह को आप जीते, आपको उसका रिवॉर्ड खुदा जरूर देगा। गॉस्पल बांटें, गॉस्पल खरीदें और जिस जुबान में भी कोई आपसे कहे कि मुझे पंजाबी की बाइबल ला दो मुझे कॉल करें, हिंदी की बाइबल चाहिए मुझे, जिस जुबान की बाइबल आपको चाहिए वे भी हम उसका अमाउंट पे करेंगे, आपको हम वो बाइबल प्रोवाइड करेंगे, उसको जाके दें, ये आपके खाते में लिखा जाएगा। नाराजगी की दौलत से दोस्त पैदा करो ताकि जब ये दौलत जाती रहेगी तो तुम खुदा के